हेलो हेलो अरित्रा, हेलो प्रियांशु, हेलो अश्वी। यस अरित्रा, आपका 2 बजे क्लास है। ठीक है ठीक है, मैं कंसिडर करता हूँ कुछ तो। चलो गाइस, तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने कैसे डिग्री मेजर को रेडियन में किया था, जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग विथ पाई बाय 180, और कैसे और तब पाई को एज इट इज रखो, और कैसे रेडियन को डिग्री में किया था 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करके। तब पाई की वैल्यू हमने ली थी 22/7। ठीक है, साथ ही में डिग्री में अगर कोई आपको सीधा डिग्री में दिया और उसको मिनट सेकंड में करना है तो क्या करना होता है आपको पता है, पूरी प्रोसेस हमने देखी थी। और मिनट सेकंड के फॉर्म में दिया है और आपको उसको पूरा डिग्री में करना है तो भी हमने देखा है, डिवाइड बाय 60 डिवाइड बाय 3600। ठीक है, तो चलो अब हम साथ ही में लास्ट में एक फॉर्मूला बताया था मैंने, रिलेशनशिप बिटवीन थीटा आर्क लेंथ एंड रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, और बट दैट थीटा शुड बी इन रेडियन फॉर्म, ये हमने इतना देखा है। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपके बुक के आपके एक्सरसाइज के है वो हम शुरू करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों देखो, क्वेश्चन नंबर प्रियांशु, मैं आपको अभी एक ये करता हूँ, लिंक सेंड करता हूँ। ठीक है, सो वो उसके थ्रू आपको नोट्स मिलेगा। सो फाइंड द रेडियन मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग डिग्री मेजर। मतलब आपको नीचे सारी क्या दी है, नीचे सारी डिग्री मेजर दी है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये टॉपिक हमारा चल रहा है, उसमें हम एंगल पार्ट सबसे पहले देख रहे हैं। तो नीचे जितने भी आपको दिए है डिग्री फॉर्म दिए है और उसको आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, रेडियन। ठीक है, सो पहला आपको दिया है 25 डिग्री, दूसरा आपको दिया है -47 डिग्री 30 मिनट। देखो जब भी कल मैंने बताया भी था, जब भी एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजर होता है वो पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज मेजर होता है तो वो निगेटिव होता है। ठीक है, तो निगेटिव आया मतलब कोई टेंशन नहीं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि इसको हमने ऐसा मेजर ना करते हुए ऐसा किया होगा, तो उसका रेडियन फॉर्म भी निगेटिव में ही दो। ठीक है, उसका रेडियन फॉर्म भी निगेटिव में दो, सिंपल 240 डिग्री, उसके बाद 520 डिग्री। ठीक है, तो थर्ड, चलो तीन तो कर लेते, पहले तीन कर लेते फटाफट करो। सो आई होप आपने क्लिक किए भी आप में से। सो यस, कर्तव्य, वेरी गुड कर्तव्य। अनिरुद्ध, महेश कुमार, क्या बात है, आज बहुत से लोग ऑनलाइन है, गुड। अन्वेषा नहीं है, अशफाक नहीं है, कुशल नहीं है, संतोष कुमार भी नहीं है। चलो हाँ, आपको मैं वो सेंड करता हूँ, प्रियांशु आपका लिंक सेंड करता हूँ मैं। ठीक है, गुड 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 अरित्रा। तो चलो 25 डिग्री का रेडियन में अगर करना है तो रेडियन में करने का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, उसको पाई बाय, तो ये 25 डिग्री को अगर मैं पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये हो गया रेडियन। ठीक है, सो बस इसको क्या कर लो, सिंप्लीफाई। सो देख लो, 25 से इसको मैं 5 3 जार 5 6 जार, मतलब ये क्या हुआ, 5 पाई बाय 36, ये हुआ फर्स्ट का आंसर, फर्स्ट का आंसर। देन सेकंड में पहले आपको इसको पूरे डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, पहले पूरा डिग्री में कन्वर्ट करना होगा। सो -47 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, फिर माइनस साइन को तो क्या करो, हमेशा एज इट इज रखो, माइनस साइन को एज इट इज रखो। ये क्या हो गया 47 डिग्री, तो डिग्री में तो हमें कन्वर्ट करना ही है, तो जो चीज ऑलरेडी डिग्री में उसको डिग्री में रखो। ये किसमें है, ये मिनट में, और मिनट को डिग्री में अगर करना है तो डिवाइड बाय क्या करना होता है, 60। तो जो 30 मिनट होता था उसको जैसे ही मैंने अपॉन 60 कर दिया, 30/60, तो ये क्या बन गया, डिग्री, 30/60 बन गया डिग्री। सो देख लो दोस्तों, ये अगेन 47 प्लस ये क्या हो जाएगा, 1/2, हाफ, हाफ मतलब 0.5, 0.5, तो ये कितना हो गया, -47.5, -47.5, ये बन गया आपका सेकंड, जो कि पूरा किसके फॉर्म में, अब डिग्री के फॉर्म में। और अब अगर इसको रेडियन में करना है तो -47.5 डिग्री इज इक्वल टू -47.5 × π/180। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है अगर आपको, तो क्या कर लो, पहले तो डेसिमल हटाओ, डेसिमल हटाने के लिए ऊपर और नीचे 10 10 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 10 से नीचे भी 10 से, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद एक डिजिट है, सो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल उड़ जाएगा और नीचे भी एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाएगा। अब इसको थोड़ा रिड्यूस करो, 5 3 जार 6 जार 0, 5 9 जार
अगेन 5 5 सर, यानी 95 माइनस साइन को बिल्कुल नहीं भूलना है, 95 पाई अपॉन 360। मुझे बताओ ये फर्दर और डिवाइड होगा ना 5 से, अगर आप डायरेक्ट 25 से भी करते तो बहुत अच्छा था। सो 95 को मैं अगर और 5 से डिवाइड करूँ तो आपको कितना मिलेगा, 19। और इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करूँ तो 72। तो फाइनल आंसर क्या आया, माइनस साइन को खाया तो गड़बड़ है। सो माइनस को एज इट इज रखो, -19 पाई अपॉन 72। सो अगर डिग्री माइनस में है तो रेडियन भी माइनस में, तो रेडियन माइनस में आएगा तो डिग्री भी माइनस में। तो और ये जो है ये माइनस को जब भी आप मिनट को भी डिग्री में कन्वर्ट करोगे, माइनस को पूरा बाहर ही रखो, ये जो भी एडिशन हो रही ब्रैकेट में करो, ये मिला डिग्री और ये आया आपका फाइनल आंसर -19 पाई बाय 72। फर्दर सिंप्लीफाई करके 10 10 से पहले मल्टीप्लाई किया, डेसिमल उड़ाया, फिर 5 5 से डिवाइड किया, -95 पाई अपॉन 360 मिला, और 5 5 से किया, सो फाइनल -19 पाई अपॉन 72। अब मुझे बताओ ये फर्दर और रिड्यूस होगा, नहीं होगा, तो छोड़ दो यहीं पर, छोड़ दो यहीं पर। और अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तो पूरा डिग्री है तो टेंशन नहीं, सीधा पूरा डिग्री है तो सीधा π/180 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 ये 0 0 तो कैंसिल, 6 से डिवाइड कर दो, 3 4 यानी 4π/3 खत्म। ये था 3 क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, कोई डाउट है भाई? गुड गुड अरित्रा, अश्वी अच्छा डेसिमल में, हाँ चलेगा, आप डेसिमल में निकालो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर ये था 3, नाउ 4th एंड 5th, 4th एंड 5th, 4th में है 520 डिग्री और 5th में है 40 डिग्री 20 मिनट्स, ठीक है। सो ये तो आप बाद में कर ही लोगे, पहले ये कर लेते 520 डिग्री, 4th वाला। सो 520 डिग्री तो बहुत ही इजी है, सीधा पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, ये मिल गया आपको रेडियन। सो 0 0 कैंसिल, ये 2 2 से डिवाइड होगा, सो 26 हुआ, ये 9 हुआ, सो फाइनल आंसर 26π/9। फटाफट करो, एक बार आपको प्रोसेस में क्लैरिटी मिल गई तो बाकी चीजें फटाफट हो जाती है, होनी चाहिए। लास्ट 40 डिग्री 20 मिनट, अगेन इसको पहले तो पूरा डिग्री में करो, सो 40 डिग्री प्लस 20 बाय 60, यानी 40 प्लस 20 मिनट को डिवाइड बाय 60 कर दे, डिग्री हो गया। सो ये हो गया 40 1/3, मतलब 0.33, 1/3 यानी 1/3 होता है 0.33, मतलब ये हो गया 40। या फिर आप एक काम कर सकते हो, इसको 1/3 ही रखो, 1/3, और इसको फ्रैक्शन फॉर्म में कर लो। सो फ्रैक्शन फॉर्म यानी क्या, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 40 × 3 120 + 1 121/3। डेसिमल में करना चाहते हो वो भी चलेगा, सो 121/3 डिग्री। अब इसको अगर आपको करना है कन्वर्ट तो 121/3 × π/180 रेडियन, ठीक है। कोई किससे हो रहा है डिवाइड, कोई भी किससे नहीं हो रहा है, सो आप इसको 121π/540 रेडियन भी बोल सकते हो, क्योंकि कोई भी इससे रिड्यूस नहीं हो रहा है। ये 11 से डिवाइड तो होगा, बट नीचे की टर्म 11 से डिवाइड नहीं हो रही है, तो छोड़ दो, ये भी चलेगा। इसको आप डेसिमल में स्प्लिट करो वो भी चलेगा, बट डेसिमल फिर आपको जिसमें फैमिलियर हो, जिसमें कॉन्फिडेंट हो वो करो। गुड 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 विश्वास, नाइस, यस परफेक्ट परफेक्ट अश्वी, परफेक्ट अरित्रा, यस उसी फॉर्म में लाया है, वेरी गुड नाइस। सो चलो गाइस, अगेन ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें आपने सारे डिग्री को रेडियन में किया। अब दूसरा क्वेश्चन जहाँ रेडियन को डिग्री में करना है, ठीक है। प्रियांशु आप देख लो क्वेश्चन सारे, मैं आपको बस वो लिंक सेंड करता हूँ, आपको एक ओटीपी देना होगा प्रियांशु, मुझे एक ओटीपी आपके नंबर पे आएगा, वो ओटीपी जब मैं अपने सिस्टम में डालूंगा फिर आपको एक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। उस वजह से वो प्रोसेस थोड़ी रुक गई थी, आपको लिंक आ जाएगी एक सेकंड, मतलब थोड़ा सा ये लेक्चर अभी मैं आपको यहीं पे देता हूँ। सो देखो, फाइंड द डिग्री मेजर करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर, अगेन आपको ये रेडियन मेजर के फॉर्म में आंसर क्वेश्चन दिए हैं, इनका डिग्री मेजर इस बार आपको निकालना है, ठीक है। डिग्री मेजर, सो 11 बाय 16, सेकेंड -4, थर्ड
फाइव पाई बाय थ्री, ठीक है, फोर्थ सेवन पाई बाय सिक्स एंड फिफ्थ सिक्स, ये सब रेडियन है, ये 11/16 रेडियन है, माइनस फोर रेडियन है, अगर ये माइनस में तो आंसर भी हम माइनस में ही देंगे, सब रेडियन 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 है। और आपको उसने ब्रैकेट में बोल भी दिया है कि यूज पाई इज इक्वल टू 22/7, ठीक है, ये आपको पाई की वैल्यू यूज करनी है। सो चलो अब इसमें हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस के लिए हम क्या करेंगे, मिनट और सेकंड के फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस भी करना है ना साथ में, एग्जाम में अगर मिनट और सेकंड फॉर्म में पूछ लिया तो। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ बोला नहीं, उसने सिर्फ बोला है डिग्री फॉर्म में लाओ, तो डिग्री फॉर्म यानी डेसिमल तक भी चलेगा, जिसने डेसिमल में लाकर डिग्री फॉर्म में छोड़ दिया पूरा वो भी सही है, उसको भी पूरा एक मार्क मिलेगा, जिसने मिनट सेकंड में निकाला उसको भी पूरा एक मार्क मिलेगा। लेकिन अगर उसने बोला होता था कि मिनट और सेकंड पार्ट भी दिखाओ, तो फिर आपको वहां पे जरूरी है कि मिनट और सेकंड फॉर्म में लाओ, और फिर उस केस में प्रैक्टिस मैटर करती है। तो हम क्या करेंगे, जहां पाए पाए वहां तो गया खेल खत्म, लेकिन जहां पाए नहीं होगा वहां पे हम कोशिश करेंगे कि उसको मिनट और सेकंड फॉर्म में लाए, ठीक है। कैसे देखो, चलो 11/16 रेडियन है, उसको हमें कन्वर्ट करना है डिग्री में, तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना होता है, ये बन गया आपका डिग्री। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले 11/16 इंटू 180, ये 22/7 है, जो कि ऊपर जाके क्या हो जाएगा 7/22, तो लगे हाथों में 7/22 कर दूं, हर बार मैं पहले 22/7 नीचे लूंगा फिर ऊपर ले जाऊंगा, तो हम क्या करते हैं यहीं पे कर देते। सो 11 टू जार, टू ने इसको डिवाइड किया 90, अब ये 45, ये 8, इतना आ गया भाई, ठीक है, इतना आ गया। अब ये फर्दर रिड्यूस हो रहा है, 45 ना 8 से डिवाइड हो रहा है ना 7 हो रहा है, तो अब क्या करो, सीधा 7 × 5 = 35, 7 × 4 = 28, 3 × 1 = 5/8। अब 3 × 1 = 5/8 को आपको डिग्री में भी करना है, मिनट में भी करना है, सेकंड में भी करना है। कैसे करते हो, सबसे पहले तो आप जो अब पहला डिवीजन करोगे, ओरिजिनल डिवीजन, इसमें जो क्वेश्चन पार्ट आएगा वो डिग्री, और जो रिमाइंडर पार्ट आएगा वो मिनट के लिए रहेगा, ठीक है। सो 8 × 3 = 24, बचा 7 × 5, 8 × 9 = 72, 3। सो 39 तो हुआ डिग्री, 39 डिग्री। अब मिनट क्या होगा, 3, ये 3/8, 3/8 भी क्या है डिग्री है, लेकिन अगर उसको मिनट में करना है तो हम क्या करेंगे, × 60। याद करो कल के लेक्चर, लास्ट लेक्चर जो हुआ था हमारा, उसकी पूरी प्रोसेस, 39 डिग्री प्योर, पॉइंट समथिंग समथिंग मतलब ही क्या होता है 3/8, वो पॉइंट समथिंग, तो 3/8 ये अगेन डिग्री पार्ट है, जब तक हम उसको मिनट में कन्वर्ट नहीं कर, जब तक हम उसको 60 से मल्टीप्लाई नहीं करते वो मिनट में कन्वर्ट नहीं होगा। तो 3/8 को 60 से मल्टीप्लाई हमने जैसे किया, अब ये मिनट हो गया, अब इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे हम, 39 डिग्री इज इक्वल टू 180, या फिर इसको और ये कर दो और डिवाइड कर दो, 4 और ये हो गया, अच्छा ये तो डायरेक्ट 2 से हो रहा है ना, 2 एंड 15, सो ये हो गया 45/2, 45/2, ठीक है। सो अगेन 45/2 कितना होता है 22, और रिमाइंडर क्या आता है 1, कर लो 45/2, 2 × 2 = 4, 2 × 2 = 4, ठीक है, 5 − 4 = 1 रिमाइंडर। सो 22 क्या हुआ मिनट, 39 डिग्री 22 मिनट, और अगला पार्ट क्या हुआ है 1/2 सेकंड, 1/2, लेकिन जब तक ये 60 से मल्टीप्लाई नहीं होता वो सेकंड में नहीं होगा, उसको फिर से 60 से मल्टीप्लाई किया, मतलब 60/2, ये सीधा क्या हो गया 39 डिग्री 22 मिनट एंड 60/2 30 सेकंड। मुझे बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है, रेडियन डिग्री टू रेडियन बहुत इजी हो जाता है, रेडियन टू डिग्री मजेदार है। यस अरित्रा, वेरी नाइस, गुड अरित्रा, ओके सेकंड वन भी आ गया, गुड अश्वी, अच्छा आपने सारे पॉइंट में निकाल लिए है ना, ठीक है ठीक है, पॉइंट में ना निकालते हो, मिनट सेकंड में निकालो, और थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी अश्वी, क्लियर। और उसका रूल तो सिंपल हमें पता ही है ना, क्या करते हैं हम सीधा पहले 180 बाय पाई पूरा रिड्यूस विड्यूस करके, पाई की वैल्यू 22/7 जो ऊपर जाके 7/22 हुई, सब कट वट करके हमें ये मिला।
फिर उसको हमने फर्स्ट डिवाइड किया तो हमें जो क्वेश्चन मिला वो डिग्री है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इंटू 60 कर दो मिनट हो गया। रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर ही करोगे तो वो डिग्री ही रहेगा, इंटू 60 करना जरूरी है डिग्री टू मिनट कन्वर्ट करने के लिए, हमने सब लास्ट लेक्चर में देखा है। तो वो आया आपका 45/2 मिनट, जिसको फिर से डिवाइड किया तो 22 क्वेश्चन निकला और 1 रिमाइंडर। सो 20 जो क्वेश्चन थे वो प्योर मिनट है। अगेन रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इंटू 60 ये हुआ सेकंड, तो 60/2 सीधा 30 सेकंड। तो गाइज प्लीज मेंशन करो मुझे कमेंट बॉक्स में, क्लियर है तो, कोई डाउट है तो पूछो, प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। अरित्रा, स्वी, कर्तव्य, प्रियांशु, अनिरुद्ध, क्लियर है, गुड गुड। लास्ट लेक्चर देखा होगा होपफुली अनिरुद्ध और कर्तव्य आपने, क्योंकि लास्ट लेक्चर में आप दोनों नहीं थे, उसमें ये सब चीजें मेंशन हो गई थी। यस गुड, ठीक है, गुड गुड, नाइस अरित्रा। तो अरित्रा का नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी है, वेरी गुड। सो -4 ये क्या है, रेडियन। अगेन -4 को आप कन्वर्ट करोगे 180/π, जो कि हो गया 180 × 7/22, ठीक है। सो ये 2 हो गया, ये 11 हो गया, और आगे फर्दर रिड्यूस हो रहा है नहीं, लेकिन ये माइनस साइन भी नहीं भूलना है। सो -2 × 180, 360, -360 × 7। सो देख लो कितना हुआ, -360 × 7/11, -2520/11, ठीक है। सो -2520/11। अगले दो क्वेश्चन तो इजी रहेंगे, पाए पाए, क्योंकि सीधा कैंसिल हो जाता है। सो -2520/11, जैसे माइनस साइन तो हम आखिरी में एज इट इज कंटिन्यू करेंगे, सीधा हम डिवाइड करते, 11 2 22 3 2 2 22 9। तो यस डिग्री पार्ट बिल्कुल सही है, जिनका भी 229 आया, अश्वी, अरित्रा। सो ये डिग्री हुआ। अब मिनट में लाने के लिए रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इंटू 60, ये हुआ मिनट। तो अगेन 60/11 क्या होता है, 5 से आप डिवाइड कर देते हो, रिमाइंडर भी मिलता है 5, तो 5 तो प्योर मिनट हुआ, जो क्वेश्चन थे वो मिनट। एंड सेकंड के लिए रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इंटू अगेन 60, बस। तो 5 × 60 300, 300/11, जैसे 1 × 60 60/11 किया, नाउ 5 × 60 300, 300/11 07, तो 3, तो 27 27 सेकंड। और लास्ट का रिमाइंडर मैंने कहा था इग्नोर करो, फर्स्ट डिवीजन का रिमाइंडर आपको मिनट देगा, सेकंड डिवीजन का रिमाइंडर आपको सेकंड देगा, थर्ड डिवीजन इग्नोर करो, थर्ड डिवीजन का जो भी रिमाइंडर है, सिर्फ रिमाइंडर पार्ट, क्वेश्चन तो आपको सेकंड दे दिया, रिमाइंडर सिंपली इग्नोर चलता है। सो दिस इज द आंसर, और ये आई थिंक अरित्रा ने दिया था परफेक्ट, यस बिल्कुल सही। हाँ, और निगेटिव साइन को तो एज इट इज रखना ही होगा हमें, बिल्कुल सही। सो निगेटिव साइन को एज इट इज जो हम कंटिन्यूस करते आ रहे हैं, तो ये बात याद रखो, निगेटिव से आपको कोई भी टेंशन नहीं पालना है। डिग्री निगेटिव है तो रेडियन भी निगेटिव में लाओ, रेडियन निगेटिव है तो डिग्री भी निगेटिव में लाओ, दैट्स इट। और हाँ, यहाँ पे मिनट पार्ट सेकंड पार्ट निकालने कुछ नहीं बोला है, तो जो डेसिमल में भी लाएगा, जैसे अश्वी आपने पूरा डेसिमल में लाया, कर्तव्य आपने पूरा डेसिमल में लाया, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इट इज कंप्लीटली फाइन। तो ये था हमारा सेकेंड क्वेश्चन, नाउ थर्ड क्वेश्चन। तो भाई अगर पाए दे दिया ना, तो आधा टेंशन वही दूर हो जाता है, क्योंकि पाए दे दिया है, मतलब पाए पाए तो सीधा कैंसिल हो जाता है, 180/π, सो पाए पाए कैंसिल, ये हो गया 60 × 5, 300 डिग्री, है ना। फोर्थ फोर्थ भी पाए फॉर्म में है, सो 7π/6, ये रेडियन था, इंटू डिग्री में करने के लिए, सो पाए पाए कैंसिल, 6 × 3 = 30 × 7, 210 डिग्री। सो ये हो गया फोर्थ, थर्ड फोर्थ, और अब बचा खाली फिफ्थ, तो फिफ्थ भी देख लेंगे हम, तो फिफ्थ भी देख लो, एंड देन विल स्टार्ट सम वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है आगे के, ठीक है, कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है अगले भी। फिफ्थ, तो 6 रेडियन, तो 6 = 6 × 180/π, यानी कि 6 × 180/22 7/22, जो कि अगेन ये 90 हुआ, ये 11 हुआ, तो 6 9 540 × 7/11, जो कि फाइनली हुआ 3780/11।
और अगली प्रोसेस आपको बहुत अच्छी से बता है, फटाफट करेंगे। 3780/11, ये सब रफ में करना है, वहाँ मेन मेन आंसर शीट में नहीं करना है, ये सब रफ में करो। ओरली करो तो बहुत अच्छा, लेकिन ओरली करने में अगर आपको डर लग रहा है और लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत 19-20 गलती हो सकती है, तो रिस्क ना लो। 340 डिग्री, ठीक है। देन 7 रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर इंटू 60, ये हो गया मिनट, तो 7 6 420, 7 into 6 420 बाई 11, सो 11 3s are 33, 9 0, ये मिल गया 11 8s are, ठीक है। सो अगेन आपको मिला 38 मिनट, 38 मिनट, और अगला पार्ट क्या है, रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, सो 2 by 11 into 60 second, खत्म। सो 2 into 60 120 by 11, सो 11, आई थिंक ये मेरे हिसाब से हो गया था शायद, है ना। सो ये 10, अब रिमाइंडर भी 10 आ रहा है, तो थर्ड रिमाइंडर को आप इग्नोर भी कर सकते हो, या फिर आप देख रहे हो कि रिमाइंडर या बहुत ही डिवाइजर से क्लोज है 10 by 11, तो आप क्वेश्चन को एक से बढ़ा सकते हो। सो डजंट मैटर, 343 डिग्री 38 सेकंड, 38 मिनट एंड 10 सेकंड लिखने वाला भी बिल्कुल सही है, और 11 सेकंड लिखने वाला भी बिल्कुल सही है, ठीक है। सो 10 सेकंड भी वैलिड है, 11 सेकंड भी वैलिड है। 11 इसीलिए वैलिड है कि इस बार रिमाइंडर बहुत ही बड़ा आया है, मतलब 10 by 11 आप लो तो 0.99 के फॉर्म में मिलता है। सो 0.99 इज नथिंग बट 1, नियरली इक्वल टू 1, तो आप सेकंड को एक से बढ़ा दो, दैट इज ऑल्सो ओके। नहीं बढ़ाया तो भी आपका थोड़ा भी मार्क कहीं नहीं जाएगा। यस, गुड, नाइस, ठीक है। सो बेसिकली ठीक है, चलो। यस, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। यस प्रियांशु, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 तरफ हम बढ़ेंगे, जो कि वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन जो कि सिंपल, डिग्री टू रेडियन, रेडियन टू डिग्री में किसी को कोई डाउट है भाई तो पूछो, क्लियर है तो बढ़ते आगे, क्लियर है तो तुरंत कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो क्लियर 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 क्लियर, सो हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, गुड गुड गुड, कमाल करोगे आप, करना है हमें कमाल। सो बढ़ते आगे, अब देखो प्रियांशु, जस्ट आप व्हाट्सएप पे, मैं आपको एक ये कर रहा हूं, व्हाट्सएप पर मैं आपको एक लिंक ये कर रहा हूँ सेंड, मतलब एक जस्ट PDF फिलहाल के लिए, इस लेक्चर के लिए आप ये करो, उसके बाद फिर मुझे आपका एक OTP लगेगा, वो OTP देना तो आपको एक्सेस मिल जाएगा सारे नोट्स का। तब तक थोड़ा सा मैं आपको एक सेकंड में कर रहा हूँ व्हाट्सएप, क्योंकि अब तक के दो क्वेश्चन तो सीधे थे, सिंपल थे, थर्ड क्वेश्चन वर्ड बेस्ड है, तो आपके आंखों के सामने रहा तो आपको भी और कॉन्फिडेंस आएगा। बाकियों ने क्वेश्चन नंबर 3 देखना शुरू करो, करना शुरू करो, सिंपल है क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, सो यस, चेक कर दिया प्रियांशु। नाउ अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। एक व्हील जो है, व्हील क्या होता है, सर्कुलर व्हील, अगर कुछ नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट वो सर्कुलर ही होगा। सो व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन 1 मिनट में। 1 मिनट में मतलब कितना होता है दोस्तों, 60 सेकंड में, 60 सेकंड में वो 360 रिवॉल्यूशन करता है, 360। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो 360 डिग्री,
360 टाइम्स वो रिवॉल्व करता है, 60 सेकंड में वो 360 टाइम्स रिवॉल्व होता है। तो पहले तो हिसाब किताब उसने पूछा है, 1 सेकंड में वो कितने डिग्री से कितने रेडियन से रिवॉल्व होगा। अगर एक व्हील है जो 60 सेकंड में 360 टाइम्स रिवॉल्व होता है, समझ रहे हो आप, 60 सेकंड यानी 1 मिनट, 1 मिनट में वो 360 बार घूमता है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक है। तो ऐसे वो 360 बार घूमता है, मतलब बहुत, फैन देखो 1 मिनट में कितने राउंड मार लेता होगा, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतना फास्ट होता है। तो ये एक व्हील है जो बहुत फास्ट है शायद, और वो 1 मिनट में 360 बार टर्न होता है, रिवॉल्व होता है। तो पहले तो निकाल लो कि वो 1 सेकंड में कितनी बार होगा। जो व्हील 60 सेकंड यानी 1 मिनट में 360 टाइम्स होता है, वो 1 सेकंड में कितना होगा, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिटरी मेथड। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं हमेशा यूनिटरी मेथड में, तो 60 सेकंड में 360 टाइम, तो 1 सेकंड में कितना है, आप सीधा 360 को 60 सेकंड से डिवाइड भी कर सकते हो। तो 60x इज इक्वल टू 360, सो x इज इक्वल टू, घूम फिर कर वही हुआ, 360 बाय 60, 6 टाइम्स, 6 टाइम्स, ठीक है। सो मुझे बताओ, 1 सेकंड में वो 6 बार रिवॉल्व होने वाला है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने आपको कितनी बार रिवॉल्व होने वाला है नहीं पूछा है, क्वेश्चन बोल रहा है वो कितने एंगल आपको देगा 1 सेकंड में रिवॉल्व होकर। मुझे बताओ, सबसे पहले तो 1 बार रिवॉल्व अगर कोई भी व्हील होता है, व्हील यानी सर्क्यूलर, तो एक सर्कल का पूरा रिवॉल्यूशन कितना होता है, 360 डिग्री का। एक सर्कल में हमेशा टोटल एंगल हमेशा कितना होता है, 360 डिग्री। तो एक सर्कल का रिवॉल्यूशन होता है 360 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन ने, अगर आप ठीक से देखो, तो क्वेश्चन ने आपको आंसर किसके फॉर्म में पूछा है, रेडियन में। तो पहले तो 360 डिग्री को रेडियन में कर लो। 360 डिग्री को रेडियन में करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई करते हो, पाई बाय 180 से, तो ये कितना हो गया, 2 पाई। और ये ऑलमोस्ट आप में से सारे स्टूडेंट को पता ही होता है कि 360 डिग्री यानी 2 पाई होता है। नहीं भी पता होगा तो यहाँ से याद रखो, ये पल पल आपको काम आने वाला है, 180 डिग्री यानी पाए, 360 डिग्री यानी 2 पाए, रेडियन के फॉर्म में, ठीक है। सो एक व्हील जो एक रिवॉल्यूशन में 360 डिग्री रिवॉल्व होता है, या फिर बोलो 2 पाए रेडियन से रिवॉल्व होता है, वो 6 रिवॉल्यूशन में कितना होगा। सो देयरफॉर टोटल एंगल इन रेडियन मेड बाय ए व्हील इन 1 सेकंड, बात हो रही है 1 सेकंड की ना, सो इन 1 सेकंड में। सो हमने तो निकाल दिया कि भाई वो 1 सेकंड में एक्स टाइम्स यानी कि 6 बार रिवॉल्व होने वाला है, और 1 बार रिवॉल्व होने में वो 2 पाई रेडियन एंगल ऑक्यूपाई करता है। तो 6 बार होने में कितना करेगा, 6 × 2 पाई यानी 12 पाई इज द आंसर, 12 पाई इज द आंसर। गाइस कोई डाउट, 12 पाई करेक्ट अश्वी, ओ यस अनिरुद्ध, करेक्ट 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 अनिरुद्ध, मुझे आपका भी लगेगा, आपको भी एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी मुझे देना पड़ेगा आफ्टर क्लास, अभी नहीं, अभी तो मैं आपको सेंड कर देता हूँ व्हाट्सएप पे, लेकिन आपका भी मुझे लगेगा अनिरुद्ध, तो आपको भी एक्सेस मिल जाएगा। सो गाइस कोई डाउट किसी को, फिर से एक बार मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपको, वर्ड बेस्ड क्वेश्चन था कि अ व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, 1 मिनट में 360 यानी 60 सेकंड में 360। तो वो बोल रहा है कि थ्रू हाउ मेनी रेडियंस, मतलब आपको एंगल पूछा है, वो भी रेडियन के फॉर्म में पूछा है, तो थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकंड। तो पहले तो हम 1 सेकंड में वो कितना रिवॉल्यूशन कर लेगा वो निकाल लेते हैं। तो 60 में 360 टाइम्स, तो 1 सेकंड में कितना बार आया है, 6 टाइम्स। और एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन किसी भी सर्कल का, दुनिया का कोई भी सर्कल हो, व्हील हो या कोई भी हो, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन मतलब कितना ऑक्यूपाई करता है, 360 डिग्री, उसी को हम रेडियन में कितना बोलेंगे, 2 पाए। कैसे, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, यानी वो अगर हमें आंसर रेडियन में देना है, क्वेश्चन हमें एंगल पूछ रहा है वो भी रेडियन में, तो एक रिवॉल्यूशन में वो ऑक्यूपाई करता है 2 पाई रेडियन, एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है। तो 1 सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन कर रहा है, 6, तो एक रिवॉल्यूशन में भाई 2 पाई एंगल है, तो 6 रिवॉल्यूशन में कितना हो जाएगा, 6 × 2 पाई, 12 पाई इज द आंसर। बस 12 पाई पे छोड़ दो उसको, कोई अभी आगे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको रेडियन में ही पूछा है, सो रेडियन पाई के फॉर्म में दो। कोई डाउट है तो पूछो।
क्लियर है ना? गुड, कर्तव्य क्लियर है आपको? आपने कुछ अलग चीज बताई है, 37 पॉइंट आपने अच्छा कन्वर्जन ये किया होगा, बट 12 पा इज द आंसर, कर्तव्य। प्रियांशु, अरे यार आप थोड़ा नेट का देखो यार, थोड़ा सा अलग पैकेज डाल के देखो। अभी तो ठीक है, आज का लेक्चर जो भी बचा है वो रिकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन थोड़ा सा अलग पैकेज डालो। कर्तव्य आप क्लियर हो? अश्वी ने तो पहले आंसर दे दिया था सही। अरित्रा क्लियर है? यस, चलो अरित्रा भी क्लियर। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, नंबर फोर। अनिरुद्ध आपको भी सेंड कर दी मैंने फाइल। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल। अब इस बार डिग्री मेजर निकालना है। फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। सो एक सर्कल की बात हो रही है, सेंटर पे जो एंगल बनने वाला है उसका आंसर निकालना है आपको, वो भी डिग्री के फॉर्म में। सो फाइंड द डिग्री मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड बाय सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर। तो रेडियस इसकी 100 सेंटीमीटर है, आर इज इक्वल टू 100, ठीक है, एंड आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर। सो 22 सेंटीमीटर की आर्क लेंथ, मैंने लास्ट लेक्चर में आर्क लेंथ का कंसेप्ट बताया है, दो रेडियस मिलके जितना सर्कमफरेंस ऑक्यूपाई करते हैं उसको आर्क लेंथ बोलते हैं। ये पूरा यानी सर्कमफरेंस, जिसको हम लेंथ ऑफ सर्कल भी बोल सकते हैं। लेकिन लेंथ ऑफ आर्क मतलब कितना होती है, जो दो रेडियस मिलके ऑक्यूपाई करती है, यानी यहां से लेकर यहां तक। तो आपको आर्क लेंथ जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं वो आपको दे दिया है कितना, आर्क लेंथ इज 22 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया है 100 सेंटीमीटर, दोनों सेंटीमीटर में, तो टेंशन नहीं। अब बस क्वेश्चन बोल रहा है कि इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ड्यू टू दिस आर्क लेंथ वो क्या है, वो भी इन टर्म्स ऑफ डिग्री मेजर। और बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है तीनों का, रेडियस, आर्क लेंथ और थीटा का, बहुत ही यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फॉर्मूला कल हमने देखा था। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। एल है 22, आर है 100, यानी आंसर इज 0.22। बट ये 0.22 क्या है, रेडियन, क्योंकि इस फॉर्मूला में थीटा हमेशा रेडियन में है तो ही वो सेटिस्फाई होता है। तो थीटा रेडियन में रखकर ही आपको यहाँ पे रखना होगा, अगर जब भी आपको दिया है रेडियन में तो बहुत अच्छा, डिग्री में दिया है तो रेडियन में कन्वर्ट करके यहाँ रखो हमेशा। और अगर कभी कभार आपको थीटा निकालना भी पड़ा तो जो भी आंसर आएगा वो रेडियन में ही होगा, जैसे कि इस क्वेश्चन में, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में रेडियस और लेंथ दोनों का यूनिट सेम है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो कोई गड़बड़ नहीं है, चलेगा। थीटा जो आया है वो हमेशा रेडियन में ही आएगा, ये हमेशा याद रखो। तो आर 22 आर्क लेंथ ने जो एंगल ऑक्यूपाई किया है वो आपको मिल गया बाय यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्मूला। बट आंसर किस में मिला आपको, रेडियन में। आंसर चाहिए किस में आपको, डिग्री में। तो चलो डिग्री में निकाल लो। सो डिग्री में कैसे निकालना है आपको पता ही है, तो मैं क्या करता हूँ, 0.22 ना लिखते हुए 11/50 रेडियन लिखता हूँ। और अब 11/50 को डिग्री मेजर में करना है तो इंटू 180/π, और पाए मतलब ही इंटू 7/22, 22/7 ऊपर जाके 7/22। सो देख लो, सबसे पहले तो 11 2s are, देन 0 0 कैंसल, फिर 2 ने इसको डिवाइड किया, 9 आया। तो क्या मिला आपको, 9 × 7, 63/5, 63/5 डिग्री, ठीक है। तो अब चाहे तो आप इसको 6, 5, 1, 5, 2, 5, 6, 12.6 डिग्री भी बोल सकते हो। सर अब मिनट और सेकंड की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, उसने आपको डिग्री मेजर में बोला है तो अब क्यों मिनट और सेकंड में दे रहे हो, वो तो हमें प्रैक्टिस करनी थी उस वजह। हालांकि वहां पर भी आपको डिग्री मेजर बोला था, मिनट और सेकंड पार्ट सेपरेट निकालने नहीं बोला था, तो वो भी चल जाएगा निकालने के बाद, नहीं निकालोगे तो भी चलेगा। बट यहाँ तो अब एज इट इज रखो, प्रैक्टिस पार्ट हो गया है। सो 12.6 डिग्री इज द आंसर। परफेक्ट अरित्रा, गुड गुड कर्तव्य। यस अश्वी, नाइस। सो भाई इतनी रेडियस अगर इतने आर्क लेंथ में डिग्री ऑक्यूपाई करेगी एंगल, तो वो एंगल कितना रहेगा, 12.6 डिग्री। नाइस गाइस, वेरी गुड। बढ़ते अगली क्वेश्चन की ओर। इन अ सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, अगेन सर्कल का क्वेश्चन है जिसमें डायमीटर आपको 40 सेंटीमीटर दिया है, और अगर डायमीटर 40 है तो बच्चा भी बता देगा रेडियस कितना आएगा, डायमीटर का हाफ यानी कि 20। द लेंथ ऑफ कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। कॉर्ड
कॉर्ड की लेंथ 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो एक काम करता हूँ, डायमीटर निकालने की जरूरत नहीं है, एक कॉर्ड ही निकाल लेते हैं हम। कॉर्ड मतलब पता है ना, अगेन डायमीटर भी एक कॉर्ड ही होती है, लेकिन डायमीटर को हम लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल बोलते हैं, डायमीटर से बड़ी कॉर्ड कोई नहीं होती है। और कॉर्ड यानी क्या, जो दो पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस को ज्वाइन करे इंटरनली, इंटरनली। तो ये हुआ कॉर्ड, और कॉर्ड आपको दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। सो कॉर्ड की लेंथ है 20, रेडियस भी आई है 20। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड, अगेन माइनर मेजर आपको पता है, कोई भी कॉर्ड हमेशा सर्कल के कितने टुकड़े करती है, दो टुकड़े। कॉर्ड मतलब जो कोई भी दो पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस को इंटरनली ज्वाइन करे, और वो कॉर्ड हमेशा सर्कल के दो टुकड़े करती है, जो छोटा टुकड़ा होता है उसको माइनर सेक्टर कहा जाता है, और जो बड़ा होता है उसको मेजर। तो क्वेश्चन ने आपको बोला है फाइंड आर्क लेंथ इन द माइनर सेक्टर, यानी ये आर्क लेंथ आपको निकालनी है। कौन सी आर्क लेंथ निकालनी है, ये वाली जो मैं थोड़ा शेडेड कर रहा हूं, ए बी। आपको फाइंड करना है लेंथ ए बी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो, सपोज ये सेंटर है, इसका आंसर आया किसी को पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। गुड अश्वी, अश्वी का आया है, नाइस। और किसी का, चलो सबसे पहले तो अब देखो ये सेंटर है, अगर मैं यहाँ पे ये दो लाइन ड्रॉ करूँ, और ये दो लाइन को आप क्या बोलते हो साइंटिफिकली, रेडियस, सेंटर टू सर्कमफेरेंस, सेंटर टू सर्कमफेरेंस। मुझे बताओ ये 20 है, आर्क लेंथ निकालने के लिए अगेन आपके पास एक ही फॉर्मूला है अभी फिलहाल इस चैप्टर में, वो है ये। तो उसके लिए आपको आर्क लेंथ तो निकालना है, रेडियस पता है, बट थीटा भी पता चाहिए ना, तीन में से दो चीज पता होगी तीसरी निकल जाएगी। तो ये तो निकालना है, ये पता है, बट थीटा का पता है। सो थीटा आपको इनडायरेक्टली उसने दे दिया है, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाओ। ये 20 है, ये और ये अगर मैं ज्वाइन कर लूँ तो मुझे बताओ रेडियस भी 20 है, तो दोस्तों ये कौन सा एंगल बन गया, ये बन गया इक्विलैटरल ट्रायंगल। आपको ये एंगल दिया नहीं है बट मैंने कहा ना इनडायरेक्टली दिया है, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया जहां तीनों साइड सेम है, और तीनों साइड अगर सेम है तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, और 60 डिग्री को ही हम रेडियन में क्या लिखते हैं, पाई बाय थ्री। 60 डिग्री को ही रेडियन में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, पाई बाय 180, मतलब सिंपल कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, देख लो पाई बाय 3 है। सर रेडियन में क्यों निकाला, क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले वापिस बता चुका हूँ, पहले तो बताया ही था, अभी भी बताया कि ये थीटा रेडियन में ही चाहिए। सो देख लो थीटा आपको मिल गया, रेडियस आपको मिल गई, अब आपको निकालना है आर्क लेंथ। सो थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, सो थीटा इंटू आर इज एल, थीटा है पाई बाय 3, आर है, आर कितना है 20 इंटू एल, बस। सो पाई बाय 3 मतलब ही कितना होता है, 3.14 ले लो, या फिर 22/7 ले लो। सो पाई 22/7, ठीक है, इज इक्वल टू एल, पाई 22/7 इंटू 1/3 इंटू 20 एल। सो कुछ क्या कैंसिल हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। सो 22, 540 अपॉन 21 इज एल, 21 टू जार 42, 200 अगेन क्या मिला आपको, 200 200, यानी 21 9 जार, बिल्कुल सही। सो एल इज 20.9 सेंटीमीटर, करेक्ट था अश्वी, बिल्कुल सही था रित्रा, यस करेक्ट है, यस कर्तव्य करेक्ट है। हाँ 20.95 इज नियरली इक्वल टू 21, दैट इज ऑल्सो ओके, कर्तव्य, दैट इज ऑल्सो फाइन। ठीक है, सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स की ओर। इफ इन टू सर्कल आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ, दो सर्कल है, दो सर्कल है, बट दोनों सर्कल में जो आर्क लेंथ बोला है वो सेम लेंथ बोला है, मतलब ये जो एल है वो ये एल है, ठीक है। सो इसमें भी आर्क लेंथ, सपोज इसको आप L1 बोल दो, इसको आप L2 बोल दो, तो इन शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्या हिंट दे रहा है, L1 इज इक्वल टू L2, जिसको मैं L ही बोल देता हूँ। L1 इज इक्वल टू L2, टू सर्कल, दोनों सर्कल में आर्क लेंथ बन सकती है, तो ये बनी इधर की आर्क लेंथ L1, ये बनी इधर की आर्क लेंथ L2, बट क्वेश्चन की हिंट क्या है, इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, सो ये आर्क ऑफ सेम लेंथ, यानी L1 और L2 सेम है, जिसको मैंने मान लिया है L, ठीक है, आर्क ऑफ द सेम लेंथ,
सबटेंडेड एंगल 60 डिग्री एंड 75 डिग्री, मतलब यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा 1 और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है थीटा 2, ये अलग अलग दिया है। सो फर्स्ट में थीटा 1 आपको दिया है 60 डिग्री और सेकंड में आपको दिया है 75 डिग्री। इसी को अगर आप मल्टीप्लाई कर लोगे रेडियन फॉर्म में तो पाई बाय 180 रेडियन। अब इस क्वेश्चन में कन्वर्ट करके कोई बड़ा काम नहीं होने वाला है, बट बस वो आपकी आदत रहनी चाहिए कन्वर्ट करने की, इसलिए मैं जस्ट पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। सो रेडियाई का रेशियो पूछा है ना, R1 बाय R2 आपको निकालना है। और मुझे बताओ सिंपल फॉर्मूला क्या है। सिंपल फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर या आपका रिलेशन है इन तीनों फैक्टर्स में। सो सबसे पहले तो इस फॉर्मूला को मैं मॉडिफाई कर लूं, थीटा इंटू आर इज इक्वल टू एल, चलेगा ना सब, यार इधर मल्टीप्लाई हो गया। नाउ फर्स्ट सर्कल में एल क्या आएगा, थीटा 1 इंटू R1, दिस इज फॉर फर्स्ट सर्कल। सेकंड सर्कल में भी एल क्या आएगा, थीटा 2 इंटू R2। और क्वेश्चन के हिसाब से क्या है, दोनों का आर्क लेंथ सेम है, यानी L1 और L2 क्या है सेम है, L1 इज इक्वल टू L2, ये क्वेश्चन की दी हुई हिंट है। या यहाँ लगे आप L1 इज इक्वल टू L2 भी लिखो तो चलेगा, क्वेश्चन की सबसे शानदार हिंट है L1 इज इक्वल टू L2। थीटा इज इक्वल टू L बाय आर होता है, आपने उसको मॉडिफाई किया थीटा आर इज इक्वल टू L। तो फर्स्ट सर्कल के लिए L1 हो गया आर्क लेंथ, थीटा 1 हो गया उस फर्स्ट सर्कल का एंगल, R1 हो गया उसका रेडियस R1 R2। सेकंड के लिए L2 उसकी आर्क लेंथ, थीटा सेकंड का एंगल और R2 उसका रेडियस। और सबसे बेहतरीन हिंट क्या दिए क्वेश्चन ने, विद सेम आर्क लेंथ, यानी L1 इज इक्वल टू L2। सो बस L1 है थीटा 1 R1, L2 है थीटा 2 R2, वैल्यू रख दो। थीटा 1 कितना है 60 इंटू पाई बाय 180 R1, थीटा 2 कितना है 75 इंटू पाई बाय 180 R2। सबसे पहले तो पाई बाय 180 कैंसिल, और इसलिए मैंने यहीं पे कहा था आपसे इस बार कन्वर्ट करके हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, बस वो आदत रहनी चाहिए इसलिए हमने किया है। सो R1 एज इट इज, ये R2 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर डिवाइड करेगा, इधर का 75 एज इट इज, ये 60 जो इधर मल्टीप्लाई कर रहा है उधर डिवाइड कर लेगा, और बस इसको अगर मैं 15 से डिवाइड कर लूँ तो 5/4 इज द आंसर। आपको रेशियो पूछा है R1 और R2 का, सो रेशियो कितना आया 5:4, 5:4। करेक्ट कर्तव्य अश्वी, यस अरित्रा, यस गुड अरित्रा। सेवन भी आ गया, नाइस। सेवन तो अगेन यार, मतलब हाइट ऑफ बोनस क्वेश्चन है सेवन, यानी चलो। अनिरुद्ध, प्रियांशु, क्लियर है सब चीजें? शायद प्रियांशु ऑफलाइन हो गया होगा, उसका नेट का प्रॉब्लम है। सो फाइंड एंगल इन रेडियन थ्रू विच द पेंडुलम स्विंग्स। अब पेंडुलम मतलब क्या होता है, इसी तरह होता है ना, यानी आर्क ही बनाता है पेंडुलम। अगर कोई आप देखो पुराने घड़ी क्लॉक होती है पुराने जमाने में, बराबर, तो पेंडुलम क्या होता था, इसी तरह आर्क बनाता है ना वो, तो वो यहाँ से ऐसे इस तरह आर्क बना के ऐसे घूमता है। तो जनरली ये क्या हो गई, अगेन एक सर्कमफेरेंस सर्कल बन रहा है, तो ये रेडियस है सेम लेंथ का, पेंडुलम का लेंथ तो सेम ही होगा, इधर रहो या इधर रहो, तो सेम आर आर और ये आर्क लेंथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल। सो ये पूरा पिक्चर आपको उसी कंसेप्ट का दे रहा है, आर एल और थीटा का। सो फाइंड द एंगल इन रेडियन, भाई ये जो एंगल होता है ये रेडियन में ही होता है, थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर। डिग्री में पूछा होता तो कन्वर्जन का झंझट रहता, लेकिन उसने रेडियन में पूछा है तो हमें पता ही है कि आर और एल से जो एंगल मिलता है वो रेडियन में ही रहता है। सो यहाँ कन्वर्जन का भी कोई हेडेक नहीं है, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट आपको रेडियन में देता है। डिग्री में पूछा होता तो कन्वर्जन करना पड़ता। व्हेन पेंडुलम से व्हाइल व्हिच थ्रू व्हिच अ पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75। सो पेंडुलम की लेंथ मतलब ही क्या, रेडियस इस क्वेश्चन में। पेंडुलम की लेंथ मतलब ही रेडियस इस क्वेश्चन में, क्योंकि ये है पेंडुलम, इसकी लेंथ, ये है पेंडुलम उसकी लेंथ, और इस स्ट्रक्चर को आप ठीक से कंपेयर करो तो ये क्या बन गई, रेडियस, रेडियस और इसने बनाया ये आर्क लेंथ। सो पेंडुलम की लेंथ यानी रेडियस दी इस क्वेश्चन में आपको, एंड द डिप डिस्क्राइब ऑन द आर्क ऑफ इट्स लेंथ। ये तो हमने देख लिया है कि ये उसका जो टिप है, वो जो टिप है डिस्क्राइब द आर्क लेंथ, यस उसके टिप ने यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ बना दी है, आर्क लेंथ, और आर्क लेंथ 3 दी है आपको। सो 3 आर्क लेंथ है तो आपके लिए क्या बनेगा, अलग अलग थीटा। सो फर्स्ट क्वेश्चन में
आर तो फिक्स है, थीटा आपको निकालना है इस फॉर्मूला से रेडियन में, बस वो 3 आर्क लेन दे रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में उसने एल दिया है आपको 10, सो थीटा क्या हो जाएगा, एल बाय आर, सो एल इज 10, आर इज 75 बराबर। और देखो उसने ये भी सेंटीमीटर में दिया है और ये भी सेंटीमीटर में दिया है, तो यूनिट भी कन्वर्ट करने का कोई झंझट नहीं है। तो आप सीधा उसको 5 5 यानी 2 बाय 15, सो 2 बाय 15, और बाय डिफॉल्ट आंसर रेडियन में ही है। ये हुआ फर्स्ट का आंसर। सेकंड में एल दे रहा है 15, अगेन सेंटीमीटर में है, तो ये भी सेंटीमीटर ये भी सेंटीमीटर, सो थीटा है एल बाय आर, अगेन 15 बाय 75, 15 5 आर यानी 1 बाय 5 रेडियन। आप चाहे तो इसको 0.2 भी बोल सकते हो, बस फॉर्मूला यूज करना है और फॉर्मेलिटी है, वैल्यूज रखनी है। एंड लास्ट एल इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, सो थीटा इज इक्वल टू अगेन एल बाय आर, अगेन 21 सेंटीमीटर है, 75 भी सेंटीमीटर है, 3 से डिवाइड कर लो 7, 3 से डिवाइड कर लो 25, सो 7 बाय 25 एज इट इज रख दो उसको रेडियन। सो दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 7 का। हाँ चलेगा, आप डेसिमल में निकालो असवी बिल्कुल चलेगा। वेरी गुड अरित्रा, क्या बात है, आज फॉर्म में हो अरित्रा आप, नाइस, कीप इट अप। बस ये वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी थीम सबका सेम है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, सो मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक, अगेन देखो क्लॉक ये रही, और वो अगर आपको मिनट हैंड की लेंथ दे रहा है, मतलब ये आपको क्या दे रहा है, रेडियस। बस आपको अब चीजों को, क्वेश्चन को दिए हुए बनने वाली ज्योमेट्री को विजुलाइज करना है। जैसे कि उसने यहाँ पे पेंडुलम बोला, तुरंत पेंडुलम का स्ट्रक्चर दिमाग में लाओ, टन टन, तो ये क्या बन गया, आर्क लेंथ। तो वॉच में भी जो मिनट हैंड होता है वो जनरली, वॉच अगर सर्क्यूलर है तो उसकी रेडियस ही होता है मिनट हैंड, मतलब क्योंकि बराबर सेंटर से सर्कमफेरेंस तक उसका लेंथ होता है। सो द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर, तो ये 1.5 सेंटीमीटर इज नथिंग बट द रेडियस। ठीक है, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, तो 40 मिनट में वो कितना टिप मूव होगी, तो मुझे बताओ, 12, 1, 2, 3, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये बन गया आपकी एक वर्चुअल क्लॉक, जिसका मिनट हैंड का लेंथ मतलब रेडियस आपको दे दिया 1.5, और वो बोल रहा है 40 मिनट में वो कितना आर्क लेंथ बोल रहा है ना, कितना, हाँ, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट, तो उसकी जो टिप है, मुझे बताओ ये टिप है 40 मिनट में वो कितना मूव हो जाती है, यहां से लेकर यहां तक, तो इतना डिस्टेंस पूछा है, और इसी डिस्टेंस को आप क्या बोलते हो, आर्क लेंथ। पूरा डिस्टेंस पूछा होता सर्कल का तो सर्कमफेरेंस है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट से लेकर दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक का डिस्टेंस अगर आपको पूछा, यानी यहाँ पे ए टू बी, ये शेडेड वाला रीजन, तो मतलब ये मिनट हैंड अभी यहाँ पे, 40 मिनट बाद वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इन दोनों रेडियस ने क्या बना लिया, आर्क लेंथ। तो आर्क लेंथ तो आपको निकालना है बराबर, यानी एल इज क्वेश्चन मार्क, टिप जितना भी डिस्टेंस ऑक्यूपाई कर रहा है वो डिस्टेंस इज नथिंग बट द आर्क लेंथ, ये हमने विजुअलाइज कर लिया। रेडियस आपको दे दी है, अब बात है सिर्फ एंगल की, तो भाई एंगल तो फिक्स है ना, हर 5 मिनट में कितना एंगल होता है, 30 डिग्री, याद रखो क्लॉक का ये फिक्स रूल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड रूल है, सिंपल है सर, कैसे, देख लो ये, देख लो मुझे बताओ ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, यहां से लेकर यहां तक ये एंगल कितना है, 90 डिग्री, तो 15 मिनट में एंगल 90 डिग्री हुआ, यानी हर 5 मिनट का कितना है, 30 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री, मतलब ये हुआ बराबर 90, या सिंपल है क्लॉक सर्कुलर है, पूरे क्लॉक का कितना है, पूरे क्लॉक का एंगल 360 होता है ना कोई भी सर्कल का, तो 360 को हमने कितने पार्ट में तोड़ दिया है, 12 पार्ट में, यानी एक पार्ट का कितना हुआ, 30 डिग्री, पूरा क्लॉक सर्कुलर 360 डिग्री, और उसके से 12 पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, सो डिवाइड बाय 12, ये कितना हुआ, 30 डिग्री, नहीं बराबर, एक एक पार्ट में एंगल होता है 30 30 डिग्री का। ठीक है, तो अब वैसे सोचो, वैसे सोचो, या अगर आपको पता होगा तो ये तो फिक्स ही है कि हर 30 डिग्री में
हर 5 मिनट में 30 डिग्री होता है, क्योंकि 90 डिग्री हो रहा है 15 मिनट में, तो 5 मिनट में 30 डिग्री। तो मुझे बताओ ये 30 30 30 30 30 30 30 30, ये कितना एंगल हो गया यहाँ तक, यहाँ तक कितना एंगल हो गया, 240 डिग्री। 8 पार्ट हुए ना ये, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो एक पार्ट का 30 डिग्री, ठीक है, सो 8 पार्ट का कितना हुआ, 240 डिग्री, ठीक है। सो एंगल पर पार्ट, या फिर आप बोल सकते हो एंगल पर 5 मिनट्स। सो देयरफॉर एंगल पर 40 मिनट का क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा, 30 इंटू, जस्ट ये लिखो मतलब सामने वाले पे और अच्छा इंप्रेशन रहेगा। सो एंगल पर 5 मिनट होता है 30 डिग्री, 360 डिवाइड बाय 12। सो एंगल पर 40 मिनट कितना हो जाएगा, 30 इंटू 8, यानी 240 डिग्री, क्योंकि 5 5 मिनट के 8 टुकड़े आते हैं ना, 5 5 मिनट के 8 पार्ट आते हैं, सो इसलिए इंटू 8। सो 240 अगेन ये डिग्री है, लेकिन आपको पता है जो फॉर्मूला यूज करना है उसमें रेडियन चाहिए। सो अगेन 240 डिग्री को आप 5 बाय 8 180 से मल्टीप्लाई करोगे, यहीं पे कर लो, 240 इंटू 5 बाय 180। सो 0 0 कैंसिल, 6 3 जार 6 4 जार, यानी 4 पाई बाय 3 रेडियन, और बस अब फॉर्मूला यूज करो। एल आपको निकालना है, सो थीटा आर एल, थीटा है 4 पाई बाय 3, इंटू आर है 1.5 इज इक्वल टू एल, ठीक है। नाउ देखो 1.5 का एग्जैक्ट डबल 3 होता है, 1.5 का एग्जैक्ट डबल 3 होता है ना, सो 1.5 2 जार, और ये 2 पाई, सो 2 पाई इज द आंसर। बट 2 पाई अगेन क्या कर लो फिर, 2 पाई है ना, सो उसको आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको सेंटीमीटर में आंसर देना है, सो 22/7 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। सो एल कितना आया, 44/7, यानी 7 6 जार 20 2 4 6 0 8, 6.28 सेंटीमीटर। गुड अरिद्रा, नाइस, यस, परफेक्ट परफेक्ट करते हुए। गुड अश्वी, 9th का भी आ गया, नाइस नाइस नाइस। 10th तो होमवर्क ही है, उसका भी आ गया, नाइस, क्योंकि 10th टाइप का एग्जैक्ट क्वेश्चन हमने देखा है, ठीक है। सो यस गाइस, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब लास्ट हम देखते हैं 9th, क्योंकि 10th इज प्योर होमवर्क, और 10th के ही जैसा एक क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो वाला क्वेश्चन, रेशियो ऑफ रेडियस जहाँ आर्क लेंथ सेम दी है, वो हम देख चुके, तो आप कर लेना ये क्वेश्चन, हम देखते हैं, एंड देन फिर कल के लेक्चर से एक्चुअल हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ये तो बस उसका एक सपोर्टिंग फंक्शन था, एंगल कंसेप्ट, अब एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा कल से। सो फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच, सो इस बार रेडियस निकालना है सर्कल की, इन विच द सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, थीटा दे दिया 60 डिग्री, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए रेडियन में, सो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो ये मिल गया हमें पाई बाय 3 रेडियन, ठीक है। इन विच सेंट्रल एंगल इज 60 डिग्री, इंटरसेप्ट एंड आर्क लेंथ, मतलब ये तो यार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, एंड यूज पाई इज इक्वल टू 22/7 बोल दिया। सो आर्क लेंथ दे दिया है मेरे भाई, थीटा उसने रेडियन में नहीं दिया था बट हमने निकाल लिया, सो आर आपको निकालना है, सो यूज फॉर्मूला। सो आर इधर आ जाएगा, एल इधर गया, सॉरी थीटा इधर आया है ना, आर इधर, सो थीटा इधर डिवाइड कर लेगा, सो 37.4/π/3, जो कि हो गया 37.4 × 3/π। अगेन 3/π में भी क्या हो जाएगा, 3 एज इट इज, ये पाई नीचे 22/7 है, ऊपर जाके हो जाएगा 7/22, और बस ये कैलकुलेशन अब करना है। सो ये कैलकुलेशन अभी करना है, 37.4 × 3 × 7/22, सो कर लो फटाफट, ओरली करो जितना हो सके, मुझे सब अलाउड है, आप ओरली करो क्योंकि आपको एग्जाम देनी है। सो 35.7, सो आर आपको मिला 35.7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर लिखो। देखो अगेन इस क्वेश्चन में भी ये लिखना जरूरी नहीं है, सर अगर हमने ये नहीं लिखा, ये तो लॉजिक है, ये कॉमन सेंस है, दुनिया जानती है कि हर 5 मिनट में 30 डिग्री है, तो भाई 8 तक आते आते यानी 40 मिनट में वो 240 डिग्री होगा, तो हम डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री
लिख कर उसको रेडियन में कन्वर्ट कर ले तो बिल्कुल चलेगा। मैंने कहा ये लिखने से मैंने कहा कि आपको एक्स्ट्रा मार्क मिलेगा? नहीं, जहां पे मार्क्स जरूरत होती है किसी स्टेप पे, मैं क्लियर बोलता हूँ कि मार्क्स के लिए ये स्टेप लिखना पड़ेगा, अजम्पशन की स्टेप लिखनी पड़ेगी, आखिरी आंसर के बाद स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, जहां पे जरूरत है वहां बोलता हूँ। ये मैंने क्या बोला आपको, इंप्रेशन के लिए, बस दूसरा कुछ नहीं। बट कोई नहीं, अगर आप ना भी लिखो तो सीधा यहाँ पे आप एज वी नो, बस वी नो में सब आ जाता है। एज वी नो थीटा इज इक्वल टू 240 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 240 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, और इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर? सो टेंशन नहीं, यस परफेक्ट है। सो गाइज ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9th, और इस शीट का लास्ट क्वेश्चन 10th आपके लिए होमवर्क है। सो आप कर लोगे, और अब हम बढ़ेंगे एक्चुअल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज, कंसेप्ट, रेशियोज, उसके बेसिक, उसके इंट्रोडक्शन की तरफ फ्रॉम टुमारो। ठीक है? सो गुड डे, कोई डाउट है तो पूछो। प्रियांशु और निरुद, आपको एक थोड़ी देर से मेरे इसके बाद और दो लेक्चर है, वो होने के बाद मैं कॉल करूंगा, एक ओटीपी आएगी, वो ओटीपी देना, फिर आपका ये नोट्स वाला प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? सो बाय बाय, गुड डे।